Approaches to decision making. Because we are studying experimental psychology, we mainly talk about how experiments were conducted on decision making or reasoning. Whereas decision making on itself is a whole discipline, and there is a discipline which is called decision engineering. How do we construct?

मसल यूनिवर्सिटी एडमिशंस अगर एक बहुत बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और उसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो आए हैं इंटरव्यू देने तो उनके बारे में जो डिसीजंस थे उसमें एप्लीकेंट की एकेडमिक एक्ट्रीब्यूट्स का ज़्यादा वेटेज दी गई जिस दिन बादल आए हुए थे और जिस दिन धूप निकली हुई थी उस दिन उनके नॉन एक्डेमिक एक्ट्रीब्यूट्स को ज़्यादा वेटेज दी गई ये वेटेज देने वाले यूनिवर्सिटी की वो अथॉरिटीज़ थी जो एडमिशन कर रही हैं बहुत अजीबो गरीब लग रहा होगा लेकिन ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है ये इंसिडेंटल है कि उस दिन आपका मूड कैसा है क्लाउडी डे पे या रोशन दिन जब निकला हुआ उस मूड का इस पर भी असर हुआ कि वो स्टूडेंट्स के एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एट्रीब्यूट्स को किस तरह की वेटिज दे रहे थे एडमिशन के फैसले में इसी तरह जो स्टूडेंट विजिट करने आए एक बहुत बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को ज्यादा चांसेस थे दैट दे रोल दैट गेट एडमिशन यानी वो उसमें दाखला ले लेंगे खुद फैसला करके अगर वो क्लाउडी डे पे आए इसी तरह सेलिंग एंड बाइंग के डिसीजंस होते हैं ख़रीदो फरोख के फैसले इनको फिल्म दिखाई गई इस तजर्बे में जिसमें उनके अंदर ये जज्बात पहले पैदा किए गए डिसगस्ट यानी कराहट उदासी सैडनेस एंड बिल्कुल न्यूट्रल और ये इस तरह थे कि उनको कुछ अल्फाज जो है वो बता दिए गए थे एक डेथ का सीन दिखाया सैडनेस के लिए डिसगस्ट के लिए कोई कूड़ा खराब होती हुई उल्ली लगी हुई फंगस वाली चीज़ दिखाई और न्यूट्रल के लिए वैसे ही किसी चीज़ की तस्वीर दिखाई जो ना अच्छी थी ना बुरी इन फिल्म क्लिप्स के बाद ये लर्नर और कोवर्कर्स ने 2004 में ये एक्सपेरिमेंट किया था डिसगस्ट और सैडनेस ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके पास एक सेट था जो उन्होंने बेचना है उन्हें यह कहा गया था कि यह आपने बेचना है इन्होंने उसको बहुत कम प्राइस पे बेचने को तैयार हो गए कंपेयर टू द न्यूट्रल ग्रुप जिनके कोई इमोशंस एक्सपेरिमेंट से पहले पैदा नहीं किए गए थे उसकी रीज़निंग ये दी जाती है कि आप ये देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल ग्रुप है उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो हायर है और इन दोनों की कम है और बाइंग में भी ये सीन नज़र आ रहा है कि उसमें जो सैड हैं वो ज़्यादा कीमत पे ख़रीदने को तैयार हो गए हैं कहते हैं कि जब आप सैड हों या डिसगस्टेड हों तो यू हैव अ नीड टू एक्सपेल थिंग्स एंड अ नीड फॉर चेंज स्पेशली व्हेन यू आर सैड इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि हम अपने फैसलों का को कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज़ या बहाना देते हैं कि हमने ये फैसला क्यों किया था इस पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो था वेकेशन बुकिंग आफ्टर दे वर टोल्ड दे हैव पासड और फेल्ड तो स्टूडेंट्स वेकेशन बुकिंग के लिए जब एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे फेल हो गया हूँ अब तो छुट्टी पे जाना चाहिए पास हो गया हूँ खुशी मनानी चाहिए लेकिन जिनको कहा गया कि आपका रिजल्ट आएगा दस दिन बाद उन्होंने वेकेशन बुक करने किया चांस नहीं लिया इसका मतलब है कि हमें कोई एक्सक्यूज़ भी चाहिए होता है अपने फैसले के लिए डिसीजनस इस पे भी बेस करते हैं कि आपको चॉइसेस कैसे प्रेजेंट की गई हैं ऑर्गन डोनेशन मसलन अगर ये कहा जाए कि आप ऑप्ट करें या ये कहा जाए कि आप ऑप्ट आउट करें ये दो प्रोसीजर्स हैं आप लिखते हैं कि मेरा गुर्दा किसी को ना दिया जाए मेरे मरने के बाद या मेरी आंख तो अगर आप ये नहीं लिखते तो वो दे दिया जाएगा और एक है कि आप लिखेंगे तो दिया जाएगा तो वर्डिंग जो दी जाती है उसमें उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वैल्यू पे नहीं फैसला हो रहा बल्कि वर्डिंग पे फैसला हो रहा है फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट जो हैं वो वो होती हैं जो जिन लोगों ने मेंटल हेल्थ की कंडीशन में कोई जुम्म किया उनको देखते हैं तो उनको ये कहा गया कि बीस में से सौ ऐसे मरीज़ जैसे ये मिस्टर ए हैं वो वायलेंस कमिट करते हैं अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो फोर्टी परसेंट साइकेट्रिस्ट ने कहा कि इसे तो नहीं छोड़ना चाहिए हॉस्पिटल से दूसरी वर्डिंग थी देर इज़ एन एस्टिमेटेड ट्वेंटी चांस तो सिर्फ इक्कीस ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए इसका मतलब है कि आप जिस तरह प्रेजेंट करते हैं बात वही थी लेकिन उसको डिफरेंट वर्डिंग में बताया गया इंसानों के अंदर एक चीज होती है कि या तो वो रिस्क से भागते हैं या वो रिस्क लेने में बिलीव करते हैं तो आपके डिसीजन को कैसे फ्रेम किया जा रहा है वो उसके हिसाब से अगर आप रिस्क भागना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे और रिस्क टेकिंग है तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे जो नजर आ रहा है उसमें यह कहा गया है कि 200 लोग जो हैं वो बच जाएंगे और इसमें कहा गया कि यही प्रोग्राम जो है इसमें 400 लोग मर जाएंगे आप ये देखें कि ये बिल्कुल बराबर है लेकिन इसमें इस प्रोग्राम को ये एक मेडिकल प्रोग्राम के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था बाईस फीसद लोगों ने इस प्रोग्राम को चूज़ किया और बहत्तर फीसद ने सिर्फ वर्डिंग थी सेव्ड एंड वर्डिंग थी डाई